सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं परप्लेक्सिटी AI, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके बारे में। अब यहाँ पर गाइज, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, परप्लेक्सिटी AI, और ये काम भी कुछ ऐसे ही करता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप समझ जाएंगे पूरी तरह से है क्या ये, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मज़ा आएगा आपको इसको यूज़ करके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से एक लाइक कर दो, सभी के साथ शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर तो सेलेक्ट कर ही लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है बात करेंगे कि ये परप्लेक्सिटी AI है क्या। तो गाइज, ये एक तरह का जो है सर्च इंजन है, मतलब सर्च इंजन की तरह जो है काम करता है। आप इससे वेब पर कुछ भी सर्च कर सकते हो, है ना, और यहाँ पर आपको ये वेबसाइट्स के रिजल्ट्स ना दिखाकर सीधे जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देगा अक्रॉस द वेब, मतलब बहुत सारी जगहों से जो है ये ढूंढ कर लाएगा और एक आंसर आपको परफेक्टली देगा। मतलब ये गूगल सर्च को जो है इतना अच्छे से रिप्लेस कर सकता है कि अगर इसके इतने ज़्यादा डाउनलोड हो जाए तो ये नंबर वन पर आ सकता है। और यहाँ पर ये विंडोज़ में जो है अवेलेबल है, आप इसका इसकी वेबसाइट भी है परप्लेक्सिटी AI की, वहाँ पर जाके भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, और एंड्रॉयड के लिए इसका ऐप भी है जो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से ओपन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है ये। ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद साइन इन विद गूगल कर लीजिएगा, अकाउंट चूज कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स में कुछ है नहीं ज़्यादा, देख लेते फिर भी। आप इनका प्रो ले सकते हो, प्रो में आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। अकाउंट मिलता है आपको, है ना, ये नोटिफिकेशन वगैरह बंद चालू कर सकते हो, AI डेटा यूसेज आपको चालू रखना है बंद रखना है वो कर सकते हो, कुछ ज्यादा काम की है नहीं। सेटिंग्स, हिस्ट्री आप क्लियर कर सकते हो, लॉग आउट है, डिलीट अकाउंट है, बस यही है, बैक करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने इसको ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आपके सामने जो है कुछ टैब्स है ऊपर, होम बैक ओवरव्यू के ऊपर, ये साइलेंट है, मतलब जो टैब सिलेक्टेड होता है साइलेंट रहता है। तो ये पहला टैब होम का है, यहाँ पर आपकी जो हिस्ट्री, मतलब यहाँ पर आपकी जो फीड्स है, कुल मिलाकर जो जो टॉपिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हो वो मिलेगा आपको, आप फीड कस्टमाइज कर सकते हो अपने। ये आपकी लाइब्रेरी टैब है, यहाँ पर आपको आपकी हिस्ट्री वगैरह मिल जाती है, और उसी के लेफ्ट साइड में ऊपर आपको जो है तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑल्टरनेटिव सर्च, फाइल सर्च, और आस्क एनीथिंग। तो आस्क एनीथिंग में आप अपना कुछ भी सर्च कर सकते हो और आपको रिजल्ट देगा ये। यहाँ पर आप अपनी कोई भी फाइल वगैरह सर्च करके उसके बारे में पूछ सकते हो। और ये हमारा वॉइस सर्च है जो कंटिन्यूअसली भी काम करता है, एक बेहतरीन TTS, एक नहीं मल्टीपल बेहतरीन TTS वॉइस के साथ। तो इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ऊपर का इंटरफेस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सजेशन आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। चलिए हम ऑल्टरनेट सर्च पे क्लिक करेंगे सीधे। पहले वॉइस जो है रिकॉर्डिंग थोड़ी सी खराब हो तो माफी चाहेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चालू है। Alternative search. क्लिक करेंगे Close icon. Voice icon. Press and hold. है ना, प्रेस एंड होल्ड करके आपको बोलना है। Voice icon. सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, कुछ सेटिंग्स है वो देखते हैं, डबल टैप एंड होल्ड करके रखेंगे इस पे वॉइस वाले पे। AI language, automatic. तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, ये ऑटोमेटिक जो है रहता है। स्पीच रिकॉग्निशन, ये स्पीच रिकॉग्निशन की लैंग्वेज है ना, AI लैंग्वेज मतलब आपके जो रिप्लाई देगा वो, और स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आप बोलोगे वो। वॉइस मोड आपको मिलता है। Push the talk, press and hold the button to ask questions. ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो पुश टू टॉक है, जैसे आप व्हाट्सएप में लॉन्ग प्रेस करके रखते हो ना वैसे आपको करना है, मतलब जब आपको आपका क्वेश्चन हो गया तब छोड़ देना है, वैसा कर सकते हो। Selected icon. ये सिलेक्टेड है फिलहाल। हम यूज करते हैं भैया हैंड्स फ्री ऑटोमेटिक स्पीच डिटेक्शन, आपको सिलेक्ट कर देना है। वॉइस स्टाइल यहाँ पर आपको चूज करना है। माइक है जो कि सिलेक्टेड होता है, बढ़िया वॉइस है ये। एलेक्स की वॉइस है, केट की वॉइस है, मेरी वॉइस है, और यहाँ पर ये सारी वॉइस को आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छे से काम करता है। तो अब यहाँ पर हम जो वॉइस कन्वर्सेशन करेंगे स्टार्ट कर देंगे, और देखिएगा मैं सर्च करके बताऊँ किस तरह से सर्च करता है। कुछ चीजें रैंडमली सर्च करूंगा जो अभी ध्यान में आएंगी, और उसी तरह से आप सर्च वगैरह करके, फाइल सर्च करके भी रिजल्ट वगैरह ले सकते हो। चलिए बैक करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट बता दो आपको 5 क्वेरीज मिलती है। चलिए स्टार्ट कर देंगे हम, बैक करके एक बार फिर से अल्टरनेटिव सर्च पे क्लिक करेंगे। ओके, शायद साइलेंट है फोन, एक मिनट। चलिए क्लिक करेंगे। Over volume system launcher perplexed start with alter speed what is the time in India
वट कैन यू डू फॉर मी? वट कैन यू डू फॉर मी? Perplexity AI is an AI-powered search engine that provides real-time, conversational answers to queries by synthesizing information from multiple sources and citing them directly. Stop. तो गाइस यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू होने के कारण जो है हमने इसको लाइव नहीं कर पाए, है ना? ओके, पॉज कर देंगे. थ्री क्वेरीज लेफ्ट बता रहा है. तो अब यहाँ पर आपकी जो है आपको हिस्ट्री देखनी है, तो आप कैसे देखेंगे? तो हम यहाँ पर जो तीसरा वाला टैब है उस पर क्लिक करेंगे. बाय द वे, आपने देख लिया ना कितनी अच्छी और हाई क्वालिटी की वॉइस यहाँ पर मिलती है. स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कारण ये चल नहीं रहा था, लेकिन ये कंटिन्यू कन्वर्सेशन करता है ऑटोमेटिकली. आपने देखा वॉइस सर्च जो है चल रहा था, बट ये सुन नहीं पा रहा था स्क्रीन रिकॉर्डर के कारण. अब हिस्ट्री में आ गए. ये देखिए हिस्ट्री आ गई. और मैंने किंडरगार्टन का पूछ लिया था, इस पर क्लिक करेंगे. अब यहाँ पर देखिए आपका रिजल्ट आ गया. किस तरह से आप जो है इसको देखोगे, देखिए स्वाइप करके पहले आपका क्वेश्चन आएगा फिर आंसर आएगा. देखिए आगे आपको और भी रिजल्ट्स मिलेंगे. और लास्ट में जो है एक आस्क फॉलो अप का भी ऑप्शन है, मतलब जो आपने पूछा है उसके आगे से आप कंटिन्यू करके जो है कुछ भी पूछ सकते हो, है ना? तो ये इतने सारे ऑप्शंस आपको जो है परप्लेक्सिटी एआई प्रोवाइड करता है. और अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो ना पूरे वेब पर और आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए, तो भाई इसका यूज़ करना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली विंडोज पे और इस पे एंड्रॉइड पर. तो कैसे लगे आपको वीडियो, कैसा लगा ये ऐप, कैसे लगी ये वॉइसेस, कमेंट करके बताना. अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी. व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग और पे से जुड़ सकते हो. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.